हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ईवीएस फॉर क्लास 3 चैप्टर 1 विच इज़ पूनम्स डे आउट। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। तो फर्स्ट चैप्टर को हम पढ़ते हैं और फिर इसके मीनिंग को समझेंगे। माँ प्लीज़ लेट मी गो टू द स्कूल टुडे, आई हैव बीन एट होम फॉर द पास्ट 2 डेज, आई एम गेटिंग बोर्ड, सेड पूनम। पूनम ने अपनी माँ से कहा, प्लीज़ लेट मी गो टू द स्कूल टुडे, मुझे आज स्कूल जाने दो, आई हैव बीन एट होम फॉर द पास्ट 2 डेज। तो पूनम कहती है, मैं पिछले 2 दिन से घर पर ही हूँ, आई एम गेटिंग बोर्ड, और मैं अब बोर्ड फील कर रही हूँ। बट यू स्टिल हैव फीवर, गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कॉट, रिप्लाइड माँ। माँ ने रिप्लाई किया, पर तुम्हें तो अभी भी बुखार है, बाहर जाओ और कॉट। कॉट का मतलब क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, कॉट का मतलब होता है खटिया या खाट, तो हिंदी में हम कहते हैं खटिया। तो यह कॉट उसके घर के बाहर बिछ थी, तो उसकी मम्मी ने कहा कि तुम बाहर जाओ और कॉट पर लेट जाओ, अगर तुमको बोर फील हो रहा है तो तुम बाहर जाओ, वहाँ तुम्हें थोड़ा अच्छा फील होगा, इसलिए माँ ने ऐसा कहा। तो स्टूडेंट्स, पूनम को फीवर था जिसके कारण उसकी मम्मी ने उसे 2 दिन से स्कूल नहीं भेजा था, जिसके कारण पूनम बोर हो गई थी, तो वह इसीलिए अपने माँ से रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे स्कूल जाने दो, मुझे बोर फील हो रहा है। तो चूँकि उसको अभी भी फीवर था, इसलिए उसकी माँ ने कहा कि तुम बाहर जा कर के कॉट पर लेट जाओ, तुम्हें थोड़ा अच्छा फील होगा। पूनम फेल अस्लीप ऑन द कॉट। तो जैसे ही पूनम बाहर गई, उसने कॉट पर लेटा, उसे नींद आ गई। सडनली समथिंग फेल ऑन हर फेस, अचानक उसके फेस पर कुछ गिरता है। पूनम वोक अप एट वंस एंड टच्ड हर चीक। ओह नो, हूज मिस्चिफ इज दिस, इज इट द क्रोज और द पिजन्स, इट सीम्स इट्स द क्रोज। तो उसके बाद क्या होता है, उसके फेस पर कुछ गिरता है और वो उठ जाती है और वो सोचने लगती है कि यह किसकी शरारत है, इज इट द क्रोज और द पिजन्स। तो यह क्या क्रो ने किया है या पिजन्स ने किया है, इट सीम्स इट्स द क्रोज। तो फिर उसने कहा, ऐसा लगता है जैसे क्रो ने शरारत करी है। तो स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं वो एक ट्री के अंडर वहाँ पर सोई हुई थी, और जैसे ही उसकी आँख खुलती है वो कुछ इस तरह के बर्ड्स और एनिमल्स को देखती है। पूनम लुक्ड अप, शी सॉ मैनी एनिमल्स ऑन द ट्री, विच एनिमल्स कैन यू स्पॉट ऑन द ट्री इन द पिक्चर, राइट डाउन देयर नेम्स। तो स्टूडेंट्स, पूनम वॉज स्लीपिंग अंडर दिस ट्री, एज सून एज शी वोक अप सी सॉ अ फ्यू बर्ड्स एंड अ फ्यू एनिमल्स सिटिंग ऑन द ब्रांचेज एंड लीव्स ऑफ दिस ट्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल आइडेंटिफाई वट आर द एनिमल्स एंड बर्ड्स हियर। पूनम लुक्ड अप, she saw many animals on the tree, which animals can you spot on the tree in the picture, write down their names। तो स्टूडेंट्स, कौन कौन से एनिमल्स और बर्ड्स आप यहाँ पर स्पॉट कर पा रहे हो, उनके नाम हम यहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये क्या है, दिस इज अ पिजन, पिजन दिस इज अ बर्ड। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या यहाँ पर एनिमल्स और बर्ड्स हैं। तो ये क्या है, दिस इज अ मंकी, दिस इज़ एन इंडियन मंकी। जो इंडियन मंकी होते हैं उनके जो फेसेस होते हैं दैट इज़ ब्लैक। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, दिस इज़ अ स्क्विरल, स्क्विरल क्या खाते हैं, दे ईट नट्स। तो स्टूडेंट्स, स्क्विरल की जो स्पेलिंग होती है वो होती है SQUIRRL, सो दिस इज़ द स्पेलिंग ऑफ स्क्विरल। नेक्स्ट यहाँ पर और क्या क्या एनिमल्स और बर्ड्स हैं, तो यहाँ पर एक बर्ड है, दिस इज़ अ क्रो, आई एम श्योर आप सब ने क्रो देखा होगा और किस तरह से यह साउंड करती है यह भी आपको पता होगा। नेक्स्ट और क्या क्या है यहाँ पर, तो कुछ बटरफ्लाइज हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बटरफ्लाई। और क्या है यहाँ पर, तो यह एक बर्ड है, तो इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज मैना, तो इस बर्ड को हम कहते हैं मैना, MYNA। और यहाँ पर एक और बर्ड है, तो इस बर्ड को हम क्या कहते हैं, सो दिस इज अ स्पैरो।
तो यहाँ पर क्या हम कुछ मिस कर रहे हैं? और क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर है एक पैरट, तो दिस इज ऑल्सो अ बर्ड. पूनम पिक्ड अप अ लीफ फ्रॉम द ग्राउंड एंड वाइप्ड हर चीक विथ इट. तो स्टूडेंट्स, पूनम जब सो रही थी तो उसके फेस पर कुछ गिरा था, तो पूनम ने क्या किया, फिर एक लीफ पिकअप किया उसने ग्राउंड से, एंड शी स्टार्टेड वाइपिंग हर चीक विथ इट. तो उसके चीक में जाकर के कुछ गिरा था, तो वो उस लीफ से उसे साफ कर रही थी. बट हर चीक वॉज स्टिल स्टिकी, तो कुछ स्टिकी सा सब्सटेंस गिरा था. मस्ट हैव बिन समथिंग दैट द क्रो वॉज ईटिंग. तो लीफ से जब उसने साफ किया तो वो साफ नहीं हुआ, तो फिर उसने क्या किया, लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाई पॉन्ड. तो सामने में एक पॉन्ड था, वहाँ पर उसने सोचा कि मैं वहाँ जा करके अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ. तो जैसे ही वो पॉन्ड पर जाती है, वहाँ पर कुछ और एनिमल्स और बर्ड्स वो देखती है. विच एनिमल्स डिड पूनम सी एट द पॉन्ड? लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इनके नाम लिखने से पहले एक बार हम मैना और स्पैरो की फ़ोटो देखते हैं. तो स्टूडेंट्स, यह है एक मैना. तो इस बर्ड को आपने देखा होगा, इंडिया में यह बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और इनके जो बीक्स होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, और आईज़ के सामने भी इस तरह का एक येलो पैटर्न होता है. और यह है एक स्पैरो, इसे हम कहते हैं इंडियन स्पैरो. तो स्टूडेंट्स, आजकल इनकी आबादी बहुत कम हो गई है, आपको बहुत कम इस तरह के स्पैरोज देखने को मिलेंगे. कुछ विलेजेस में आप हो सके तो देख पाओगे, लेकिन सिटीज़ में बहुत कम हो गए हैं. मुझे सिटीज़ में ऐसे बर्ड्स अब नहीं दिखते ज़्यादा. तो यह है एक स्पैरो, और यह है एक पैरट. तो पैरट आप सबने देखा होगा, पैरट की जो बीक होती है वो रेड कलर की होती है. तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इन सारे एनिमल्स के नाम हम लिखेंगे. तो सबसे पहले कौन कौन से एनिमल्स आप देख पा रहे हो? तो सबसे पहले यहाँ पर ये क्या है, तो दिस इज़ अ गोट. तो सबसे पहला जो एनिमल है वो है गोट. नेक्स्ट ये क्या है, तो दिस इज़ ब्लैक इन कलर और ये काफ़ी बड़े हैं साइज़ में, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, दीज आर बफेलोज. तो यहाँ पर आप लिखोगे ALO बफेलो. तो दिस इज़ अ बफेलो, दिस इज़ अनदर बफेलो. नेक्स्ट और क्या क्या बर्ड्स हैं और एनिमल्स हैं यहाँ पर? तो यह क्या क्या है, दिस इज़ अ बर्ड, तो इसे हम कहते हैं ईग्रेट. तो यह है ईग्रेट, इसकी स्पेलिंग होती है EGRET, ईग्रेट. तो स्टूडेंट्स, चलिए ईग्रेट की फ़ोटो देखते हैं. तो स्टूडेंट्स, यह है एक ईग्रेट. यह वाइट कलर की एक बर्ड होती है जिसकी बीक येलो कलर की होती है. तो इस तरह के बर्ड्स आपने देखे होंगे अपने आसपास. यह भी एक ईग्रेट है स्टूडेंट्स. तो आप देख सकते हो ये कितनी खूबसूरत है, वाइट कलर की है और इसकी बीक येलो कलर की है. तो दिस इज़ एन ईग्रेट. नेक्स्ट और क्या बर्ड्स हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर एक और बर्ड है, तो इसे हम कहते हैं ब्लैक विंगेड स्टिल्ट. तो यह है ब्लैक विंगेड स्टिल्ट. तो स्टूडेंट्स, यह है एक ब्लैक विंगेड स्टिल्ट. तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह वो दिखती है. नेक्स्ट और क्या स्पीशीज़ हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर है एक टॉर्टॉइस. और फाइनली यहाँ पर कुछ फ्रॉग्स हैं. तो स्टूडेंट्स, यह है एक बफेलो. दे आर जनरली ब्लैक इन कलर और वो काफ़ी बड़े होते हैं साइज़ में. नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, कैन यू एक्ट लाइक द एनिमल्स सीन एट द पॉन्ड? तो पॉन्ड में हमने कुछ एनिमल्स और बर्ड्स देखे हैं, तो कैन यू एक्ट लाइक देम? विच एनिमल मेक्स वॉट काइंड ऑफ साउंड्स एंड मूवमेंट्स? ट्राई टू मेक सिमिलर साउंड्स. तो वो कह रहे हैं, जो एनिमल्स आपने पॉन्ड में देखे, क्या आप उनकी तरह साउंड और मूवमेंट्स कर सकते हो? तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इन एनिमल्स के साउंड्स को सुनते हैं कि वो किस तरह के साउंड करते हैं. सबसे पहले यहाँ पर है ईग्रेट. तो ईग्रेट दिखने में कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? तो यह है एक ईग्रेट और इनकी कैसी साउंड होती है? तो स्टूडेंट्स, ईग्रेट को हम ग्रेट ईग्रेट्स भी कहते हैं, इनके साउंड को सुनते हैं. तो
तो स्टूडेंट्स यह था एक ईग्रेट का साउंड। नेक्स्ट इज अ ब्लैक विंगेड स्टिल्ट, तो इसका साउंड हम सुनते हैं। नेक्स्ट इज अ गोट, तो आई एम श्योर आप सबने गोट्स देखे होंगे और इनके साउंड्स भी सुने होंगे। एक बार गोट का साउंड हम सुनते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है एक टॉर्टॉइस। तो स्टूडेंट्स टॉर्टॉइस में वोकल कॉर्ड्स नहीं होते, इसलिए ये ज़्यादा साउंड नहीं करते, लेकिन इनके साउंड को तब भी हम एक बार सुनते हैं जो भी साउंड ये करते हैं। नेक्स्ट इज अ फ्रॉग, तो स्टूडेंट्स एक बार फ्रॉग के साउंड को सुनते हैं। नेक्स्ट इज अ बफेलो, तो चलिए देखते हैं बफेलो कैसा साउंड करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन है, ट्राई टू मेक सिमिलर साउंड्स। तो पॉन्ड्स में जितने भी हमने एनिमल्स और बर्ड्स देखे थे, उन सारे एनिमल्स और बर्ड्स के साउंड्स को मैंने आपको सुनाया, तो प्लीज़ ट्राई टू मेक दोज काइंड ऑफ साउंड्स। यहाँ पर हम कुछ और एनिमल्स और बर्ड्स के साउंड सुनते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कैमल, तो कैमल कैसा साउंड करता है। नेक्स्ट इज अ बैट, तो बैट के साउंड को सुनते हैं। नेक्स्ट इज अ चिकन, तो स्टूडेंट्स आई एम श्योर आप सबने चिकन का साउंड सुना होगा। नेक्स्ट इज अ कैट, तो कैट की साउंड सुनते हैं। नेक्स्ट इज अ काउ, तो काउ कैसा साउंड करता है। नेक्स्ट इज अ क्रो, तो क्रो की साउंड सुनते हैं। नेक्स्ट इज डॉग। नेक्स्ट इज अ डक। नेक्स्ट चलिए सुनते हैं एलिफेंट की साउंड। तो स्टूडेंट्स यह थे कुछ एनिमल के साउंड्स। नेक्स्ट इज डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अलग अलग तरह के एनिमल्स अलग अलग वेज यूज करते हैं टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सम एनिमल्स वॉक, कुछ एनिमल्स चल के ट्रैवल करते हैं, कुछ एनिमल्स क्रॉल करते हैं, सम फ्लाई एंड सम स्विम। कुछ एनिमल्स फ्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, एंड सम स्विम, फॉर एग्जाम्पल फिश। फॉर दिस सम एनिमल्स यूज देयर फीट, सम यूज देयर विंग्स, सम एनिमल्स इवन टेक अप द हेल्प ऑफ देयर टेल। तो यहाँ पर हम देखेंगे कैसे अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरह से वेज यूज करते हैं टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स थोड़ा एनिमल के जो ग्रुप्स हैं उनको समझते हैं। तो जब हम कहते हैं एनिमल, तो क्या हम सिर्फ मीन करते हैं लायन, टाइगर, डॉग, कैट, एलिफेंट, और या फिर एनिमल्स में और भी स्पीशीज आते हैं? तो जब हम कहते हैं एनिमल्स तो इसके बहुत ग्रुप्स होते हैं, जैसे इनवर्टिब्रेट्स, देन फिश, देन एम्फीबियंस, देन रेप्टाइल्स, देन बर्ड्स एंड देन मैमल्स। तो ये सारे एनिमल्स के ग्रुप्स हैं। तो स्टूडेंट्स इनवर्टिब्रेट्स का मतलब है दोज एनिमल्स विच डू नॉट हैव अ बैक बोन और अ स्पाइनल कॉर्ड। तो उनमें बोन्स नहीं होते, मतलब बैक बोन या फिर जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो उनमें नहीं होता है। तो इनवर्टिब्रेट्स के कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं यहाँ पर। जैसे ये कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं, जेली फिश, स्टार फिश, तो इनमें जो है बैक बोन नहीं होता। इसी का ऑपोजिट होता है वर्टिब्रेट, जिनके बैक बोन्स होते हैं।
या स्पाइनल कॉर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये कुछ एग्जांपल्स हैं वर्टिब्रेट्स के, लाइक फिश, बर्ड्स एट्सेट्रा। तो हम कह सकते हैं एनिमल्स विच आर नॉट वर्टिब्रेट्स आर कॉल्ड एज इनवर्टिब्रेट्स। तो यहाँ पर एनिमल्स के ग्रुप्स में कुछ हैं इनवर्टिब्रेट्स, तो अभी अभी हमने देखा था इनके एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट जो ग्रुप्स होते हैं दे आर फिश, तो बहुत सारे अलग अलग तरह के फिश होते हैं, दे आर वर्टिब्रेट्स। उसके बाद नेक्स्ट है एम्फीबियंस, तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि फ्रॉग्स। नेक्स्ट है रेप्टाइल्स, तो इनमें आते हैं जैसे टॉर्टॉइस, स्नेक्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट ग्रुप होते हैं बर्ड्स, तो बर्ड्स बहुत तरह के होते हैं जैसे पिजन्स, स्पैरोस, पैरट्स एट्सेट्रा। और फिर नेक्स्ट होते हैं मैमल्स, तो इनमें आते हैं रैट्स एट्सेट्रा। तो ये सारे एनिमल्स के ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स, तो इन सबको हम एनिमल्स कह सकते हैं ऑन अ लार्जर टर्म। तो यू मस्ट हैव सीन मेनी एनिमल्स टू राइट विच ऑफ देम कैन फ्लाई, कैन क्रॉल, कैन वॉक, कैन हॉप, हैव विंग्स, हैव फीट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें एनिमल्स के नाम लिखने हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एनिमल्स के नाम लिखे हैं, अगर आपको और कोई एनिमल्स के नाम पता हो, फॉर एग्जाम्पल सम एनिमल्स जो फ्लाई कर सकते हैं जो इस लिस्ट में नहीं है, तो आप उनके नाम भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ एनिमल्स के नाम मैंने लिखे हैं विच कैन फ्लाई आर बर्ड्स, पिजन्स, ईगल, ईग्रेट। तो ईग्रेट हमने देखा था, चलिए हम देखते हैं किस तरह से वो अपने विंग्स का यूज़ करते हैं फ्लाई करने में। तो यह है एक पिजन एंड इट यूजेज इट्स विंग्स टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सेम गोज फॉर अदर बर्ड्स एज वेल। यहाँ पर एक छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कौन सा बर्ड है, दिस इज़ अ स्पैरो। तो यहाँ पर आप देखो किस तरह से वो अपने विंग्स का यूज़ कर रही है और वो इस वॉल पर बैठने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट नेम सम एनिमल्स विच कैन क्रॉल। तो यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिखे हैं जैसे स्नेक, अर्थवॉर्म, स्नेल। तो सबसे पहले देखते हैं किस तरह से एक स्नेक क्रॉल करती है टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो देखिए स्टूडेंट्स इस तरह से एक स्नेक क्रॉल करती है, बेसिकली टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट इज सम एनिमल्स विच कैन वॉक आर डॉग, कैट, लायन, टाइगर एट्सेट्रा। दीज आर ऑल्सो द एनिमल्स विच कैन रन। नेक्स्ट इज सम एनिमल्स विच कैन हॉप। तो दे आर यहाँ पर कैंगरू, ग्रास हॉपर। तो दीज आर द एनिमल्स बेसिकली विच हॉप टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो कैंगरू किस तरह से हॉप करती है स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज हॉप। तो यह एक वन हॉप हुआ, सेकेंड हॉप, थर्ड हॉप, तो इस तरह से शी ट्रैवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाई हॉपिंग। नेक्स्ट इज सम एनिमल्स विच हैव विंग्स आर पिजन, ईग्रेट, ईगल एट्सेट्रा। सम एनिमल्स विच हैव फीट आर लायन, टाइगर, डियर, डॉग, कैट एट्सेट्रा। सम एनिमल्स विच हैव टेल इज एन एलिफेंट, गोट, फॉक्स एट्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक एनिमल एलिफेंट की फोटो है, आप देख सकते हो दिस एलिफेंट, इट हैज़ अ टेल। यहाँ पर मैं आपको एक फॉक्स की फोटो दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फॉक्स की टेल कुछ इस तरह से होती है। दीज आर सम ऑफ द एनिमल्स विच हैव टेल्स। नेक्स्ट इज एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। सम एनिमल्स लिव इन द ट्रीज, सम इन वाटर, सम लिव ऑन लैंड, सम लिव अंडर द ग्राउंड एंड सम फ्लाई इन द स्काई। सम एनिमल्स इवन लिव इन आवर हाउसेस। तो वो कह रहे हैं अलग अलग जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग जगहों पर रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सम एनिमल्स लिव इन द ट्रीज, कुछ एनिमल्स हैं जो ट्रीज में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्क्विरल्स, बर्ड्स। तो बर्ड्स क्या करते हैं, ट्रीज में नेस्ट बनाते हैं। सम इन वाटर, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो वाटर में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल फिशेस। सम लिव ऑन द लैंड, कुछ एनिमल्स हैं जो लैंड में रहते हैं जैसे काउ, बफलो, डॉग, कैट एट्सेट्रा। सम लिव अंडर द ग्राउंड, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो ग्राउंड के भीतर रहते हैं। तो यहाँ पर क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे अर्थ वॉर्म एंड सम फ्लाई इन द स्काई। तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स जो स्काई में फ्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, पैरट्स, पिजन्स, ईगल्स, ऑल्सो बटरफ्लाइज एट्सेट्रा। सम एनिमल्स इवन लिव इन आवर हाउसेस, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो हमारे घरों में रहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉग्स, कैट्स, रैट्स, कॉकरोचेस एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, कलर द एनिमल्स दैट डू नॉट लिव इन योर हाउस। तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स के पिक्चर्स हैं, ऐसे एनिमल्स को हमें कलर करना है जो हमारे घर में नहीं रहते। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे घर में नहीं रहते उन एनिमल्स को हम क्रॉस करते हैं इस तरह से।
तो आप बताओ स्टूडेंट्स, यह क्या है? यह है एक हॉर्स। क्या हॉर्स हमारे घर में रहते हैं, घर के अंदर रहते हैं? तो ये हमारे घर के भीतर नहीं रहते, तो इसको आप कलर कर सकते हो। नेक्स्ट इज अ डॉग। तो क्या डॉग्स हमारे घर में रहते हैं? तो बहुत लोगों के घरों में आप डॉग्स को देखोगे। तो हमारे घर में कई बार हम डॉग्स देखते हैं, तो इसे आप कलर मत करना। नेक्स्ट इज अ हेन। तो क्या हेन हमारे घर के अंदर रहते हैं? तो स्टूडेंट्स, यह क्वेश्चन आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आपके घर में क्या क्या रहता है आप उनको कलर करो। जो जो नहीं रहते एनिमल्स, आप उनको कलर करो। तो हेन बहुत लोग अपने घरों में रखते हैं, बहुत लोग अपने घरों में नहीं रखते। अगर आपके घर में है तो आप इसको कलर मत करना। अगर आपके घर में नहीं है तो इसको आप कलर कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसे टिक कर देता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के घरों में हेन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज कॉकरोच। तो कॉकरोचेस लगभग हम सबके घर में पाए जाते हैं। तो आपको इन्हें कलर नहीं करना है, आपको उन एनिमल्स को कलर करना है जो आपके घर में नहीं रहते हैं। नेक्स्ट इज अ लिजर्ड। तो लिजर्ड्स भी हम सबके घर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? तो दिस लुक्स लाइक एन ईगल। तो ईगल हमारे घर में नहीं रहते, ईगल को आप अपने घर में नहीं रख सकते, तो इसे आप कलर कर देना। नेक्स्ट एक कैट है। तो कैट हम सबके घरों में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज अ रैट। तो रैट आप सब अपने घरों में देखते होंगे। नेक्स्ट यह है एक चमेलियन। तो इसे हम कमेलियन कहते हैं। बेसिकली कमेलियन की स्पेलिंग होती है CHAMELEON, कमेलियन। तो स्टूडेंट्स, कमेलियंस की एक खास क्वालिटी होती है, वो ये है कि दे कैन चेंज देयर कलर अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड के हिसाब से वो अपने बॉडी का कलर चेंज कर सकती है। तो कुछ कमेलियंस ऐसे होते हैं जिनमें ऐसी खास क्वालिटी होती है। तो क्या हम कमेलियंस को अपने घर के अंदर देख पाते हैं? आंसर इज नो, कमेलियंस ये हमारे घर के अंदर नहीं रहते। नेक्स्ट ये क्या है? तो दिस इज अ ग्रास हॉपर। स्टूडेंट्स, ग्रास हॉपर पढ़ने से पहले एक बार कमेलियन की फोटो देखते हैं। तो यह है एक कमेलियन। तो मैंने कहा था इसकी खास क्वालिटी क्या होती है, यह बैकग्राउंड के अनुसार अपने शरीर का रंग बदल सकती है। नेक्स्ट है ग्रास हॉपर। तो स्टूडेंट्स, ग्रास हॉपर्स हमारे घर के अंदर नहीं रहते, बट कई बार हमारे घर के अंदर ये आ जाते हैं। तो लाइट को देख करके कई बार ये लाइट से आकर्षित होते हैं और हमारे घरों के अंदर आ जाते हैं, बट ये हमेशा हमारे घर के अंदर नहीं रहते। ग्रास हॉपर की फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यह है एक ग्रास हॉपर, जिस तरह दिखती है। जंप लगाने में ये काफ़ी माहिर होते हैं। नेक्स्ट इज अ फिश। तो क्या फिश आपके घर के अंदर रहते हैं? आंसर इज नो, तो इसको भी आप क्रॉस कर लो। नेक्स्ट ये क्या है? तो दिस इज एन एलिफेंट। क्या एलिफेंट आपके घर के अंदर रहते हैं? आंसर इज अगेन नो। नेक्स्ट इज अ डक। तो क्या डक आपके घर के अंदर रहते हैं? तो अगेन ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, जो लोग डक्स अपने घरों में पालते हैं उनके घर में आप डक्स देख पाओगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो डक्स अपने घरों में नहीं रखते, तो अलग अलग घरों में वेरी करता है। आपके घर में अगर डक है तो यहाँ पर आप टिक कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसको टिक कर देता हूँ। अगर आपके घर में नहीं है डक तो यहाँ पर आप क्रॉस कर सकते हो और इसको कलर कर सकते हो। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितने भी सारे एनिमल्स हैं जिनको हमने क्रॉस किया है, उन सारे एनिमल्स को आपको कलर करना है। फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट, ग्रास हॉपर, फिश, तो इनको आप प्लीज़ कंप्लीट करो एज अ होमवर्क। नेक्स्ट इज हियर आर सम इनकम्प्लीट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, कंप्लीट देम एंड राइट देयर नेम्स बिलो। तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स हैं जिनके पिक्चर्स इनकम्प्लीट हैं, तो इसको आपको कंप्लीट करना है और इनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। तो आप इस पिक्चर का हेल्प ले सकते हो इनको कंप्लीट करने में। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो पिक्चर है यह किस चीज़ की है? तो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ डॉग। यह किस चीज़ की पिक्चर है? दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ फिश। और यह किस चीज़ की पिक्चर है? तो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ कॉकरोच। जो कॉकरोच की स्पेलिंग होती है वो होती है COCKROACH, कॉकरोच। तो स्टूडेंट्स, आप इस पिक्चर की हेल्प ले सकते हो इनको कंप्लीट करने में। जैसे यह एक डॉग है, तो यहाँ पर आप देखो उन्होंने ऑलरेडी एक डॉग यहाँ पर बनाई हुई है, तो इसको देख करके आप यहाँ पर उसे कंप्लीट कर सकते हो। सिमिलरली फिश और कॉकरोच आप यहाँ से देख करके बना सकते हो। यहाँ पर एक फिश है और यहाँ पर एक कॉकरोच है, इनको देख करके आप इन डायग्राम्स को कंप्लीट करो। नेक्स्ट इज हु एम आई।
find my name in the crossword and put a circle around it. One example has been given. तो यहाँ पर हमें इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, नेम फाइंड आउट करना है और उनको सर्कल करना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, बनाना इज वॉट आई लव ईटिंग, आई स्पेंड माई टाइम जम्पिंग एंड लीपिंग. तो वो कौन सा एनिमल है जिसे बनाना खाना बहुत अच्छा लगता है और इट लाइक्स टू जम्प एंड लीप. इट इज़ अ मंकी. स्टूडेंट्स, यह एक मंकी है जिस तरह दिखने में होती है. तो यहाँ पर उन्होंने मंकी को ऑलरेडी सर्कल किया हुआ है. नेक्स्ट हम देखते हैं, ऑन द वॉल्स वेब्स आई वीव वेयर इंसेक्ट्स स्टिक एंड कैन नॉट लीव. तो यह कौन सा एनिमल है जो वेब्स बनाती है जहाँ पर इंसेक्ट्स स्टिक हो जाते हैं और वो छूट नहीं पाते. तो कौन सा ऐसा एनिमल है जो वेब्स बनाते हैं? आंसर इज स्पाइडर. तो इट स्टार्ट्स विद एस पी आई डी ई आर. तो यह वर्ड हमें ढूंढना है. तो कहाँ पर है स्पाइडर? यहाँ पर है, एस पी आई डी ई आर. इसे हम सर्कल कर देते हैं. नेक्स्ट इज आई रिमेन अवेक द होल नाइट एंड गो टू स्लीप इन ब्रॉड डे लाइट. तो ऐसा कौन सा क्रीचर है जो रात में जागती है और दिन में सोती है? आंसर इज आउल. तो ओ डब्ल्यू एल, आउल की स्पेलिंग होती है. आउल कहाँ पर है? तो आउल यहाँ पर है. इसको हम सर्कल कर देते हैं. नेक्स्ट क्या है? क्रॉक 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 इज माई साउंड इन वाटर और ऑन लैंड आई एम फाउंड. तो कौन सा एनिमल है जो क्रॉक 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 इस तरह की साउंड करती है एंड इट इज़ फाउंड इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड? आंसर इज फ्रॉग. नेक्स्ट, आई अपीयर आफ्टर रेनफॉल, हैव नो फीट सो आई क्रॉल. तो ऐसा कौन सा एनिमल है विच अपीयर्स आफ्टर रेनफॉल, इट हैज नो फीट एंड इट क्रॉल्स? आंसर इज स्नेल. तो इसे हम सर्कल कर देते हैं. नेक्स्ट, स्लो एंड स्टडी इज माई पेस, आई ऑलवेज विन व्हेन देयर इज अ रेस. क्योंकि एक कहावत ही है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. तो इसका क्या आंसर होगा? इट इज अ टॉर्टोइस. टॉर्टोइस को हम यहाँ सर्कल कर देते हैं. नेक्स्ट इज मैजिक विथ फिंगर्स, टेक अ लुक एट द पिक्चर, कैन यू डिस्टिंग्विश द थंब प्रिंट्स फ्रॉम अदर फिंगर प्रिंट्स. तो हमें थंब प्रिंट्स को डिस्टिंग्विश करना है फ्रॉम अदर फिंगर प्रिंट्स इन द सेम वे, यूजिंग इंक और वाटर कलर, मेक पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, मेक पिक्चर्स यूजिंग योर ओन इमेजिनेशन, डू नॉट कॉपी द वंस शोन अबव, यू कैन यूज द पिक्चर्स यू हैव मेड टू डेकोरेट योर स्कूल एंड होम. तो सबसे पहले हम इन पिक्चर्स को देखते हैं और थंब के जो प्रिंट्स हैं इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं फ्रॉम अदर फिंगर प्रिंट्स. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, थंब प्रिंट्स को आइडेंटिफाई करने से पहले ह्यूमन हैंड को थोड़ा समझते हैं. तो यह पिक्चर है ह्यूमन हैंड की. तो इस पोर्शन को हम कहते हैं रिस्ट. ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं पाम. और हमारे फाइव फिंगर्स जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं. इस फिंगर को हम कहते हैं थंब फिंगर. इस फिंगर को हम कहते हैं फोर फिंगर. इसे हम कहते हैं मिडिल फिंगर. इसे हम कहते हैं रिंग फिंगर. और इसे हम कहते हैं लिटिल फिंगर. तो थंब फिंगर जो होती है इनके जो प्रिंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं थंब प्रिंट. तो थंब प्रिंट्स को हमें आइडेंटिफाई करना है इस पिक्चर में. तो स्टूडेंट्स, थंब प्रिंट्स को हम टिक कर लेते हैं. तो यह पिक्चर में आप देख सकते हो उन्होंने एक पैरट बनाया है यूजिंग फिंगर प्रिंट्स. तो फिंगर प्रिंट्स में उन्होंने थंब प्रिंट, फोर फिंगर का प्रिंट, मिडिल फिंगर का प्रिंट, लिटिल फिंगर का प्रिंट, तो ये सारे प्रिंट्स को उन्होंने यूज़ किया है इन पिक्चर्स को बनाने के लिए. यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से उन्होंने एक पीकॉक बनाया है, यहाँ पर किस तरह से एक डॉग बनाया है और यहाँ पर बटरफ्लाई. तो अलग अलग तरह के प्रिंट्स को यूज़ करके उन्होंने इन पिक्चर्स को बनाया है. तो थंब के जो प्रिंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं. तो जो प्रिंट्स होंगे वो सबसे लार्जेस्ट होंगे साइज़ में. तो यह है थंब प्रिंट. इस पिक्चर में अगर आप देखो तो यह है थंब प्रिंट. इसमें अगर आप देखो तो ये जो फेस है डॉग का, दिस इज़ अ थंब प्रिंट. और इस पिक्चर में अगर आप देखो तो थंब प्रिंट कौन सा होगा? तो अगर हम बाकी पिक्चर्स को देखें तो थंब के जो प्रिंट्स हैं वो साइज़ में काफ़ी बड़े हैं और एक जैसे हैं. बट यहाँ पर अगर हम इन दो प्रिंट्स को देखें तो साइज़ में ये थोड़े छोटे लग रहे हैं. तो ये थंब के प्रिंट्स नहीं लग रहे, मे बी मिडिल फिंगर के प्रिंट्स होंगे या फोर फिंगर के प्रिंट्स होंगे, बट ये थंब प्रिंट्स नहीं लग रहे हैं. तो यही थंब प्रिंट्स थे यहाँ पर. नेक्स्ट जो एक्टिविटी आपको करनी है वो है इस तरह के पिक्चर्स आपको बनाने हैं यूजिंग प्रिंट्स. तो आपके फिंगर्स के प्रिंट्स को यूज़ करके, और आप पेन का या पेंसिल का यूज़ कर सकते हो इस तरह से
लाइंस बनाने के लिए, तो इस तरह के पिक्चर्स को आप बनाओ, इनको आप कॉपी मत करो, अपने ओन इमेजिनेशन को यूज़ करो और इनको आप बनाओ। तो इसको प्लीज़ आप कंप्लीट करो एज अ होमवर्क। नेक्स्ट इज लेट अस हैव सम फन इन योर नोटबुक, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एन एनिमल दैट यू हैव सीन। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एनिमल की पिक्चर बनानी है जो आपने देखा हो कहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एलिफेंट देखा हो, तो स्टूडेंट्स एलिफेंट कुछ इस तरह से दिखती है। तो सबसे पहले आपको अपने नोटबुक में इस तरह का एक पिक्चर बनाना है। नेक्स्ट यहाँ पर एक एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी क्या है, मेक ग्रुप्स ऑफ 3 children each। नेक्स्ट आपको क्या करना है, 3 children's के ग्रुप बनाने हैं। तो 3 children's के ग्रुप आपको बनाने हैं, मतलब ग्रुप्स बनाने हैं जहाँ पर हर ग्रुप में 3 children होंगे। अब क्या करना है, ईच ग्रुप विल टेक अ वाइट पेपर, और हर एक ग्रुप में इस तरह का एक वाइट पेपर लेना है, उसे इस तरह से फोल्ड करना है। तो उनको आप इन लाइंस के अलॉन्ग फोल्ड कर सकते हो। आपको करना क्या है, इन ईच ग्रुप 1 child विल ड्रॉ द फेस एंड नेक ऑफ एन एनिमल एट द टॉप ऑफ द पेपर एंड हाइड इट बाई फोल्डिंग दिस पार्ट। तो हर ग्रुप में क्या करना है, फर्स्ट चाइल्ड, कोई भी एक चाइल्ड क्या करेगा, फेस और नेक ड्रॉ करेगा किसी भी एनिमल का, और फिर वो इस तरह से उसे फोल्ड कर देगा। सेकेंड चाइल्ड क्या करेगा, वो ड्रॉ करेगा बॉडी ऑफ अनदर एनिमल इन द सेंटर ऑफ द पेपर एंड हाइड इट बाय फोल्डिंग द पेपर। सेंटर का मतलब क्या होता है, बीच वाला पोर्शन। तो सेकेंड चाइल्ड को क्या करना है, फर्स्ट चाइल्ड ने क्या किया, फेस और नेक ड्रॉ कर लिया और इसको फोल्ड कर दिया। सेकेंड चाइल्ड को अब बॉडी बनाना है किसी दूसरे एनिमल का, जो भी एनिमल का बॉडी वो बनाना चाहे, और फिर ड्रॉ करने के बाद उसे उसको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद थर्ड चाइल्ड को क्या करना है, थर्ड चाइल्ड विल ड्रॉ द फीट ऑफ येट अनदर एनिमल। तो थर्ड चाइल्ड फिर क्या करेगा, फीट ड्रॉ करेगा ऑफ एनी एनिमल। फाइनली आप उस पेपर को ओपन करो और देखो किस तरह का फोटो बनता है। तो इट लुक्स लाइक काइंड ऑफ अ फनी एनिमल। यहाँ पर एक एलिफेंट का फेस हम देख पा रहे हैं, जो बॉडी है इट लुक्स लाइक द बॉडी ऑफ अ डक, और जो फीट है इट लुक्स लाइक द फीट ऑफ सम अदर एनिमल। तो बेसिकली दिस लुक्स लाइक सम काइंड ऑफ फनी एनिमल। नेक्स्ट इज स्पेंड सम टाइम अंडर अ ट्री, ऑब्जर्व द एनिमल्स केयरफुली, नेम द एनिमल्स विच कैन बी सीन। तो स्टूडेंट्स आपको अब कुछ टाइम ट्री के अंडर में बिताना है, तो आप अपने स्कूल में अगर ट्रीज हैं तो उसके अंडर बैठो और फिर वहाँ पर कुछ वक्त बिताओ। आप देखो ट्री में जो ट्रंक्स होते हैं, जो ब्रांचेस होते हैं, कैसे होते हैं, और वहाँ पर किस तरह के एनिमल्स देखने को मिलते हैं। बेसिकली ट्री के पार्ट्स को सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स यह एक ट्री है, तो इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले तो ये जो पोर्शन होता है ट्री का, इसे हम कहते हैं ट्रंक, और ये जो हैं इनको हम कहते हैं ब्रांचेस, और ये जो ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हो ये सारे हैं लीव्स। बहुत सारे ट्रीज में आपको फ्रूट्स और फ्लावर्स भी देखने को मिलेंगे, तो वो कुछ इस तरह होते हैं। और एक पोर्शन ऐसा होता है ट्री का जो ग्राउंड के भीतर होता है, ग्राउंड के अंदर होता है, जो आपको नहीं दिखता, तो दैट इज कॉल्ड एज रूट्स। तो ये है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ ट्री। तो क्वेश्चन है कि नेम द एनिमल्स विच कैन बी सीन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिख दिए हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम बिताया है ट्री के अंडर, मैंने बैठा है, मैंने इनको ऑब्जर्व किया है, तो यह आपको भी करना है। सबसे पहले तो आप कुछ टाइम बिताओ और फिर आप देखो, और यहाँ पर आप कुछ नाम लिखो। आपका आंसर मुझसे अलग हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन सीखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखा है। फॉर एग्जाम्पल सम एनिमल्स विच कैन बी सीन ऑन द ब्रांचेस। तो ब्रांच का मतलब क्या होता है, तो यह ट्री के ब्रांचेस हैं। तो ब्रांचेस में कौन से एनिमल्स आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, आप बताओ। तो कुछ एनिमल्स हैं जैसे मंकी, स्पैरो, क्रो, इन सारे एनिमल्स को आप ब्रांचेस में देख सकते हो। नेक्स्ट इज ऑन द लीव्स। तो लीव्स में आप क्या देख पाओगे, फ्लाई, एंट्स एट्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स फ्लाई का क्या मतलब है, तो यह एक फ्लाई है, कुछ इस तरह वो दिखती है, तो इनको आप देख सकते हो, ये लीव्स में ही बैठी हुई है। तो बेसिकली ऑन द लीव्स आप देख पाओगे फ्लाई, एंट्स एट्सेट्रा। तो एक एंट कैसी दिखती है, तो यह एक एंट है, इनको भी आप लीव्स में देख पाओगे। नेक्स्ट इज ऑन द ट्रंक। तो सबसे पहले ट्रंक क्या, तो ये जो पोर्शन है स्टूडेंट्स ट्री का, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज अ ट्रंक। तो ट्रंक में कौन कौन से एनिमल्स आप देख सकते हो, एंट्स, टर्माइट्स एट्सेट्रा। तो एंट्स कुछ इस तरह दिखते हैं और टर्माइट्स कुछ इस तरह दिखते हैं, तो ये ट्रंक्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड में कौन कौन से एनिमल्स आप देख पाते हो, डॉग्स,
कैट्स, स्नेल्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट अराउंड द ट्री, तो ट्री के अराउंड मतलब ट्री के इर्द गिर्द या आसपास में कौन कौन से एनिमल्स को आप देखते हो, तो ग्रास हॉपर्स, स्क्विरल्स, एंट्स एक्सेट्रा. तो यह एक ग्रास हॉपर है स्टूडेंट्स, इसका फोटो हमने पहले भी देखा था, और यह एक स्क्विरल है. नेक्स्ट इज नाउ अरेंज दीज एनिमल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइज, स्मॉलेस्ट बींग फर्स्ट. तो यहाँ पर जितने भी सारे एनिमल्स को हमने लिखा है उन सबको अब आपको अरेंज करना है फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. तो स्टूडेंट्स यह लिस्ट आपके लिए अलग हो सकती है, तो उस हिसाब से आपका अरेंजमेंट भी अलग होगा. आपको देखना पड़ेगा सबसे छोटे एनिमल्स कौन हैं, और उसके बाद एक एक करके बड़े एनिमल्स को आपको अरेंज करके यहाँ पर लिखना होगा. तो मैंने जितने भी नाम लिखे हैं उनको कुछ इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं. सबसे पहले एंट्स, उसके बाद टर्माइट्स, नेक्स्ट फ्लाई, उसके बाद ग्रास हॉपर, नेक्स्ट स्नेल, नेक्स्ट विल बी स्क्विरल, नेक्स्ट विल बी स्पैरो, नेक्स्ट क्रो, नेक्स्ट इज डॉग, एंड देन फाइनली मंकी. तो क्या मंकी और डॉग इनके साइज को अगर हम कंपेयर, तो आंसर इज येस. कई ऐसे मंकीज आप देखोगे जो डॉग्स के बराबर होंगे साइज में, बट बहुत तरह के मंकीज होते हैं और बहुत सारे ऐसे मंकीज होते हैं जो डॉग्स से बड़े होते हैं साइज में. तो मंकी इज द लार्जेस्ट इन आवर लिस्ट. नेक्स्ट इज अ जिग्सॉ पजल. इन अ जिग्सॉ पजल अ पिक्चर इज कट इन सच अ वे दैट वन हैज़ टू रियली थिंक हार्ड टू फिट द पिक्चर टुगेदर. तो बेसिकली जिग्सॉ पजल क्या होती है स्टूडेंट्स, एक पिक्चर होती है कुछ इस तरह से, उसको फिर कट करते हैं अलॉन्ग द लाइन्स लाइक दिस. ज़रूरी नहीं है आप इसी तरह से कट करो, आप जैसे चाहो उसे कट कर सकते हो, लेकिन बेसिकली कट करने के बाद पीसेस को हम अलग करते हैं और फिर उन पीसेस को एक साथ रखते हैं ताकि वापस से हमें वो पिक्चर मिल सके. तो यह एक्टिविटी होती है. तो यहाँ पर इसी तरह का आपको एक एक्टिविटी करना है, बेसिकली इस तरह का पिक्चर लेना है और इनको आपको कट करना है इन अनइक्वल पीसेस. तो अनइक्वल पीसेस का मतलब क्या होता है, पीसेस जिनके साइज इक्वल नहीं है. तो कुछ बड़े पीसेस कट करो, कुछ छोटे पीसेस कट करो, और सारे पीसेस को कट करने के बाद आप उन पीसेस को निकाल लो और फिर आप अपने फ्रेंड से कहो उन पीसेस को एक साथ में रख करके इस पिक्चर को फिर से वो वापस से बनाए. कट करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि पीसेस जो हैं वो ज़्यादा छोटे भी ना हो, पीसेस ज़्यादा बड़े भी ना हो, लेकिन उनके जो साइजेस हैं वो आपस में इक्वल ना हो. जैसे आप देख सकते हो यह पीस छोटा है या बड़ा है, यह छोटा पीस है या बड़ा पीस है, और इनको इस तरह से कट करो कि थोड़ा सा ये चैलेंजिंग रहे. तो इस एक्टिविटी को आप कंप्लीट करो एज अ होमवर्क. तो ठीक है स्टूडेंट्स, यह था चैप्टर 1 ऑफ EVS क्लास 3. तो हम EVS क्लास 3 के सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो. तो मिलते हैं चैप्टर 2 में, तब तक के लिए सारे होमवर्क्स को कंप्लीट करो, एंड थैंक यू.